एवरीबडी क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर है 43, यानी कि 42 वर्कशीट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वर्कशीट्स देखनी है बेटा तो जो प्लेलिस्ट है इस यूट्यूब चैनल पर, आप जो प्लेलिस्ट देखेंगे उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 to 8 की सारी वर्कशीट्स एक साथ मिल जाएंगी। 24 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, थीम है रिवर यमुना नीड्स योर हेल्प। हमारे दिल्ली से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? यमुना। उस नदी का नाम है यमुना और उस नदी को चाहिए आपकी हेल्प, यानी कि यमुना को क्लीन करने के लिए। यमुना में क्या होता है, एक शहर के बीचों बीच जब भी नदी बहती है ना बेटा, तो हमेशा उसके अंदर बहुत सारी गंदगी, केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है। और रिवर का साफ होना बहुत ज़रूरी है, यू नो दैट। चलिए तो हमें क्या करना चाहिए रिवर की मदद के लिए, यमुना की मदद के लिए, और क्या नहीं। थीम है रिवर यमुना नीड्स हेल्प। यमुना नदी को ज़रूरत है किसकी, हेल्प की ज़रूरत है। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? रीड द गिवन सेंटेंसेस, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। टास्क ये है, ये नीचे सेंटेंसेस जो हैं इनको पढ़िए, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए, रेफर मतलब देखिए टू अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को, टू फाइंड द मीनिंग, मीनिंग देखने के लिए ऑफ वर्ड्स, उन वर्ड्स का विच आर न्यू टू यू, जो आपके लिए नए हैं, उनका मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, स्पिल द केमिकल्स इन द रिवर। स्पिल होता है गिराना, स्पिल क्या होता है बच्चे, गिराना, कहीं भी फैलाना या गिराना, ठीक है बच्चे। केमिकल्स आप जानते ही हैं, रसायन, केमिकल्स इन द रिवर, क्या आपको केमिकल्स डालने चाहिए उसमें, नदी में? तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, नहीं, क्या लगाएंगे, नहीं, यानी क्रॉस, तो इसलिए रेड कलर से लिखा है, देखिए रेड कलर से लिखा है, यानी कि ये गलत है, ये आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। और जो ग्रीन वाला है वो ये है कि आपको करना चाहिए, ग्रीन क्या है, ग्रो ट्रीज़ नियर द रिवर, रवि नदी के नज़दीक क्या लगाइए, ग्रो करिए ट्रीज़ को, बहुत सारे पेड़ों को ग्रो करिए। डंप गार्बेज इन द रिवर, डंप मतलब गिराइए, गार्बेज मतलब कूड़ा, इन टू द रिवर, रिवर के अंदर कूड़ा गिराइए, सही है गलत, गलत, कभी भी कूड़ा नहीं गिराना चाहिए हमें रिवर के अंदर, तो ये गलत होगा। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट, ये वाला कर रहे हैं हम, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, नदी में कभी भी प्लास्टिक वेस्ट को नहीं गिराना चाहिए। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात है, कैसी बात है, सही बात है, हाँ नहीं गिराना चाहिए। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, रिवर के नज़दीक कपड़े धोने चाहिए, बताओ धोने चाहिए कि नहीं। अगर आप धोएंगे तो जो साबुन है, जो केमिकल्स हैं, जो सर्फ है, वो सारा किस में चला जाएगा, नदी में, और नदी क्या हो जाएगी, गंदी, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस, नहीं करना चाहिए। पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, जो रिवर्स हैं यहाँ, ये वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, पॉल्यूट मतलब पॉल्यूशन करिए रिवर्स का विद फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट से उसको पॉल्यूशन दीजिए, नहीं गलत बात, कभी भी फैक्ट्री वगैरह का वेस्ट हमें किस में नहीं डालना चाहिए, रिवर में नहीं डालना चाहिए। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पैरिस, हार्मफुल केमिकल्स, कलर्स इन टू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। देखिए जैसे कि अभी गणपति बप्पा की पूजा चल रही है, क्या होगा, गणेश चतुर्थी के बाद या गणेश गणपति जी की पूजा के बाद लोग क्या करेंगे, वो POP से बनी हुई मूर्तियाँ और केमिकल्स से, कलरफुल केमिकल्स से बनी हुई मूर्तियाँ, उनको किस में डाल देंगे, यमुना नदी में या इधर उधर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, पानी वहाँ पर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, डू नॉट, मत डालिए, इमर्स मतलब डुबोना, आइडल्स मतलब मूर्ति, आइडल क्या होता है, मूर्ति, मेड ऑफ बनी हुई POP की मूर्तियों को या हार्मफुल केमिकल कलर्स को फेस्टिवल्स में नहीं डालना चाहिए, नदी में नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, तो ये क्या बात है, सही बात है, नहीं डालना चाहिए लिखा है, इसलिए सही बात है। अगला कहता है पार्टिसिपेट इन द रिवर क्लीनिंग रैलीज, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लीजिए, रिवर क्लीनिंग माने नदी साफ करने की जो रैलीज होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, नदी से सारा कूड़ा करकट उठाते हैं, उन रैलीज में हिस्सा लीजिए, सही बात, उनमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड मतलब फैलाना, अवेयरनेस मतलब जागरूकता अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, महत्वता के बारे में कि साफ नदी क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, तो ये हो गया सही। डेफिकेट नियर द रिवर्स, जो आप मलमूत्र त्याग करते हैं, यानी कि
कई बार लोग क्या करते हैं, पॉटी वगैरह कर देते हैं नदियों के नज़दीक, तो वो पूछा है क्या उसके नज़दीक करना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, नहीं, डेफिकेट नियर द रिवर्स क्या होगा, नहीं करना चाहिए। उसके बाद डू नॉट लिटर नियर द रिवर, रिवर के नज़दीक लिटर मत करिए, लिटर मतलब कूड़ा मत फैलाइए, तो ये कैसी बात है, सही बात है, डू नॉट लिखा है मत करिए, तो ये सही बात है। बाथ एनिमल्स इन द रिवर, जो एनिमल्स हैं उनको नदी में नहलाना चाहिए, नहीं नहलाना चाहिए, नदी में नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वहाँ पर उसमें मलमूत्र का त्याग करेंगे, अब डेफिकेट कर देंगे और वो नदी का पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ये सारी बातें हमने पढ़ी। यहाँ पर जो शब्द आए उसको, शब्दों का मीनिंग भी हमने देखा, एक एक शब्द का मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स एंड दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। देखिए, ऐसी नदी चाहिए या ऐसी नदी, कैसी नदी चाहते हैं आप? हम ऐसी नदी चाहते हैं, ऐसी नदी नहीं चाहते हैं। जब हम ऐसी नदी चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमें ऊपर बताया गया है। अब जैसे जैसे हमने चिन्ह लगाए, हमने जहाँ क्रॉस लगाया है उनको लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे, और जिन पर हमने ग्रीन टिक लगाया है उनको लिखेंगे यहाँ। चलिए चलते हैं। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, कहाँ लिखेंगे, हार्मफुल में क्या लिखेंगे, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। अब मैं सेंटेंसेस को बेटा मार्क कर देती हूँ ताकि आप ये देख सकें कि कौन सा सेंटेंस कौन सी लाइन में आने वाला है, उससे क्या होगा आप फटाफट फटाफट लिख पाएंगे और आपको समस्या नहीं होगी। चलिए सेंटेंसेस का नंबर लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ये 12 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस यहाँ आएगा और कौन सा सेंटेंस यहाँ आएगा। पहला सेंटेंस था, पहला और दूसरा इन्होंने करके दिया हुआ है, देखिए पहला यहाँ लिखा है और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमें लिखना है। डंप गार्बेज इन टू द रिवर, क्वेश्चन थ्री देखिए, थर्ड वाला, डंप गार्बेज इन टू द रिवर, ये क्या क्रॉस है, डंप गार्बेज इन द रिवर गलत बात, तो हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ नहीं करना चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे डंप गार्बेज डंप गार्बेज वाली लाइन कौन सी है पहले देखें, लाइन नंबर थ्री जो रेड क्रॉस वाले थे ना वो हम इधर लिखेंगे। पहले मैं रेड क्रॉस दोबारा से लगा दूं आपके लिए। डंप गार्बेज इन टू द रिवर, वॉश क्लोथ्स, पॉल्यूट द रिवर, डेफिकेट नियर और बाथ। तो थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, टेंथ, ट्वेल्थ, सेंटेंस नंबर थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, टेंथ, ट्वेल्थ, ये जो सेंटेंसेस हैं ये आप इस हेडिंग के नीचे लिखेंगे। कौन सी हेडिंग के नीचे, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स, ऊपर ये लिखेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे थर्ड सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस, टेंथ सेंटेंस और ट्वेल्थ सेंटेंस, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ कौन से बच गए आपके जो हमें करने चाहिए, चार, सात, आठ, नौ, ग्यारह, ये हैं हमें करने चाहिए ये सेंटेंसेस, हम इधर लिखेंगे, ठीक है। चौथा कौन सा था, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मत फेंकिए। उसके बाद इन्होंने कहा, देखिए ये आप ग्रीन में लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा डू नॉट इमर्स, मूर्तियां मत डुबोइए उसमें, मूर्तियां मत फेंकिए इधर उधर, रिवर क्लीनिंग में भाग लीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, और डू नॉट लिटर नियर द रिवर, रिवर के नज़दीक गंदगी मत फैलाइए। ये सारी बातें आप इधर वाले कॉलम में लिखेंगे, जिस कॉलम का नाम है दीज स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर, ये नदी के लिए हेल्पफुल हैं, नदी के लिए मददगार हैं, और हार्मफुल हैं यानी कि नदी के लिए हानिकारक हैं, ठीक है बच्चे।
चूज द नाउन्स वर्ब्स इन द नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेज गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल. अब हमें लिखना है नाउन और वर्ब, दोनों चीज़ों को अलग अलग करके हमें लिखना है नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है, और ऊपर वाले सेंटेंसेज में से ही देखना है. पहले हम देखेंगे नाउन्स, क्या देखेंगे नाउन्स, इतना आप पूरा कर लीजिए उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. अब हमें देखने हैं नाउन्स और वर्ब्स. नाउन्स को मैं येल्लो निशान लगाने वाली हूँ. देखो यहाँ पर नाउन्स में क्या दिखा हुआ है, येल्लो, और वर्ब्स में क्या लिखा हुआ है, ग्रीन. तो आप ये वाला बॉक्स बना लीजिए, ये वाला बबल बना लीजिए और ये वाला बबल बना लीजिए, दोनों बबल्स बना लीजिए. फिर हम ऊपर चलेंगे और जो नाउन्स वाला बबल्स है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे मैं येल्लो कलर से बताऊंगी, और जो वर्ब्स वाले कॉलम में आप क्या क्या लिखेंगे, जिसको वर्ब्स का मतलब क्या होता है बच्चा, वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स यानी कि डूइंग वर्ड्स. कोई भी काम किसी सेंटेंस में जो हो रहा है दे आर कॉल्ड वर्ब्स. और नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं नाम, नाउन्स क्या होते हैं, नाम होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है नाउन. ठीक है, तो येल्लो कलर ले लें. चलिए वापस चलते हैं ताकि हम नाउन्स और वर्ब्स अलग अलग देख सकें. नाउन्स होते हैं नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस थिंग्स एंड एनिमल, किसी भी चीज़ का नाम, और वर्ब्स क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स. ठीक है, पहले हम इसको रब ऑफ करते हैं सारे निशानों को ताकि हमें आराम से हम इसको मार्क कर सकें. येल्लो से हम करने वाले हैं पहले, क्या करने वाले हैं पहले, हम पहले हम दिखेंगे नाउन्स. नाउन्स केमिकल, किसी चीज़ का नाम है तो केमिकल. ट्री नाम है, रिवर नाम है, गार्बेज भी नाम है किसी चीज़ का, कूड़े का. प्लास्टिक भी नाम है किसी चीज़ का. क्लोथ्स भी नाम है किसी चीज़ का. रिवर तो हमने लिख लिया, फिर भी आप रिवर लिख सकते हैं. पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट भी किसी चीज़ का नाम है. आइडल, आइडल मतलब मूर्ति, पीओपी भी किसी चीज़ का नाम है. केमिकल भी किसी चीज़ का नाम है. कलर भी किसी का नाम है. रिवर भी किसी का नाम है. और फेस्टिवल भी एक चीज़ का नाम है. उसके बाद रैली, रैली भी नाउन है, रैली भी किसी चीज़ का नाम है. अवेयरनेस, जागरूकता, जागरूकता. इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व. तो ये सब दोनों क्या है, नाउन्स हैं. रिवर्स तो था ही नाउन, रिवर्स यहाँ पर फिर से नाउन, रिवर यहाँ पर फिर से नाउन, और एनिमल्स यहाँ पर फिर से नाउन. ठीक है, ये हो गए आपके नाउन्स जो मैंने येल्लो कलर से मार्क किए हैं बेटा, ये हैं आपके नाउन्स. अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे वर्ब्स. वर्ब्स यानी कि डूइंग वर्ड्स, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. चलिए, स्पिल, स्पिल मतलब गिराना, स्पिल मतलब गिराना, आप वो लिखते जाएंगे. ग्रो मतलब उगाना. डंप मतलब फेंकना. थ्रो मतलब भी फेंकना. वॉश मतलब धोना. ये सब वर्ब्स हैं, काम हो रहा है ना. धोना मतलब कपड़े धोना. पॉल्यूट मतलब पॉल्यूशन फैलाना. इमर्स मतलब डुबोना, इमर्स मतलब डुबोना. मेड मतलब बनाना, किसी भी चीज़ का बनाना, कोई नई चीज़ बनाना. आई मेड दिस, आई मेड दिस. पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, किसी भी चीज़ में भाग लेना. स्प्रेड मतलब फैलाना. डिफिकेट मतलब, डिफिकेट मतलब गंदा करना, पॉटी करना, इधर उधर वो करना. उसके बाद लिटर, लिटर इज़ वर्ब. मैंने ये येलो कलर का मार्क एनिमल्स पे लगाया था. और बाथ यहाँ पर आ जाएगा, बाथ, बी ए टी एच ई, बाथ. तो ये हो गए ग्रीन कलर वाले हैं आपकी वर्ब्स, और येलो कलर वाले हैं आपके नाउन्स. जो येलो कलर वाले हैं वो आपके नाउन्स. ठीक है बच्चे, और ग्रीन कलर वाली हैं आपकी वर्ब्स. तो आप अपनी देख लीजिए कौन से वर्ब्स हैं और कौन से नाउन्स हैं, और सबके नाम मैंने बता दिए. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं बच्चों अगली वर्कशीट के साथ. ये सारे कहाँ लिखने हैं आपको, यहाँ लिखने हैं. ग्रीन कलर वाले यहाँ लिखने हैं वर्ब्स में, और येल्लो कलर वाले यहाँ लिखने हैं नाउन्स में. ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. बाय बच्चों.